हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और जय माता दी। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। और अभी देखिए, ये पितृपक्ष वाले दिन का ही क्लिप है। रात को हस्बैंड लाइट ला के लगा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था कि आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और ये लाइट लगने के बाद ना एलईडी लाइट था, बहुत खूबसूरत मंदिर लग रहा था। मैं बता नहीं सकती, जैसे लग रहा था कि साक्षात देवी जी तस्वीर में दिख रही हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया क्योंकि मंदिर में खुद इतनी खूबसूरत नक्काशी बनी हुई है कि ये बिना डेकोरेशन के ही खूबसूरत लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह से पितरों के लिए खाना बनाना, फिर घर की सफाई, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ लाइट ही लगवा दिया। और दिवाली आने वाली है तो उस पर मैं कुछ सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा करूँ। देखिए क्या करती हूँ, जो भी करूँगी आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये माता रानी करे आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां भर जाएं, आपके घर परिवार, आपके बिजनेस हो तो बिजनेस, सर्विस हो तो सब में बढ़ोतरी करे माता रानी। और अच्छे अच्छे सबकी नवरात्रि का दिन जो है बीते अच्छे से। तो वो देखिए, मंदिर में हमने लाइट लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा था। लाइट लगने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मैंने देखी आज रेड कलर की साड़ी, रेड कलर की चूड़ी। चूड़ी तो मैं डेली रेडी कलर का पहनती हूँ, पर आज रेड कलर की साड़ी मैंने ये वाली पहनी है। और ब्लाउज इसका भी नहीं सिला हुआ था तो मैंने गोल्डन पे ही पहन लिया, क्योंकि ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया है ना दिया है सिलने के लिए, वैसे ही रखा हुआ है। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ पूजा करने माता रानी का, और किस तरीके से मैं पूजा करती हूँ और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं कलश नहीं, मतलब जो घट स्थापना होती है वो मैं नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ मतलब सहता ही नहीं है शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ मेरी सासू माँ ने भी नहीं किया था और मैंने भी नहीं किया है। पहले मैं जब शादी नहीं हुआ था तो करती थी, पर अभी नहीं करती हूँ। अभी सिर्फ ऐसे पूजा और उनका क्या कहते हैं कि चालीसा वगैरह ये सब बस पढ़ लेती हूँ बस। तो चलिए आ जाइए फ्रेंड्स माता रानी के पास। तो अभी मैं उनका मंदिर डेकोरेट करके आप लोग को, डेकोरेट तो हो गया है, बस उनकी मूर्ति अच्छे से रख के और चुनरी उनरी माता रानी को उड़ा के आप लोग से मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत लेट जाएगा नवरात्रि के फर्स्ट डे का, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने सोचा ना कि मैं एक दिन रेस्ट करके तब फिर ब्लॉग डालूँगी, इसी कारण से ब्लॉग इतना लेट जा रहा है। और अभी देखिए आप कि मैंने अभी मंदिर को साफ़ कर दिया है, और जो कपड़े थे ना मैंने वास किए थे सारे देवी देवताओं के, तो उन्हें मैं पहना देती हूँ। और फिर ये लाल कलर का कपड़ा मैंने मंगाया था कि पुराना वाला कपड़ा हटा दूँगी और नया बिछा दूँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ नवरात्रि दीपावली पे, नया ही कपड़ा मतलब लगाती हूँ रेड कलर का। तो अभी देखिए मंदिर भी सज गया है, माता रानी भी सज गई है, मैंने चुनरी उन्हें उड़ा दिया है, और सिंदूर रोड़ी अच्छा जो भी मतलब हम चढ़ाते हैं वो सब चढ़ा दिया है मैंने। और अभी मैंने गुड़हल का फूल भी लगा दिया है। और जब मंदिर को अच्छी तरीके साफ़ करके और फूल वगैरह रखिए तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर लगता है। तो अभी देखिए मैं भोग लगा देती हूँ, ज़्यादा कुछ भोग में नहीं मैंने लगाया, सिर्फ बतासा लगाया और एक लौंग इलायची, क्योंकि लौंग इलायची माना जाता है कि माता को अति प्रिय था। आप कुछ ना चढ़ाइए पर लौंग इलायची को ज़रूर चढ़ा दिया करिए माता रानी के भोग में। तो ये देखिए माता रानी तैयार हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं ना। फिर सारी पूजा हो जाने के बाद बच्चों के साथ मिलकर मैंने आरती भी कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैंने कोई भी रूटीन और ना ही कोई रेसिपी शेयर की है, सिर्फ पूजा मैंने जिस तरीके से किया था मैंने सोचा वही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि पूजा करने का ही मतलब मैंने 15-20 मिनट का ही ये रिकॉर्ड हुआ था, पर एडिट करते करते ये 6 मिनट लमसम ये कंप्लीट हुआ था। तो मैंने सोचा इसमें और कुछ मैं ऐड क्या करूँ, क्योंकि ये खुद लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने और कुछ इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ पूजा का ही मैंने किया।
और बारी बारी रुपेश छवि सबने आरती कर ली और पूजा करते करते मुझे 8:30 हो गया था फ्रेंड्स। वैसे तो 6:30-7 बजे तक ही मैं पूजा कर लेती हूँ, पर आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, जल्द ही हम दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे, और बाय बाय फ्रेंड्स।